प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को कौन नहीं जानता। उनकी राजनीति हो या फिर वो मगरमच्छ वाले तालाब का किस्सा, ऐसे कई किस्से हैं जो आपने सुने होंगे और लोग आपको सुनाते भी होंगे। लेकिन आज बात उनकी पर्सनल लाइफ की होगी, राजनीति की नहीं, क्योंकि इस वक्त वो नॉर्मल नहीं चल रही है। बताया जा रहा है कि राजा भैया अपनी पत्नी भानवी सिंह से अलग हो रहे हैं। दोनों की शादी 1995 में हुई थी और अब 28 साल पुराने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला आ सकता है। जी हाँ, साकेत कोर्ट के पारिवारिक न्यायालय में ये केस चल रहा है जिसकी सुनवाई अब होनी है। बद्री रियासत के राजा रघुराज प्रताप सिंह की शादी जिन भानवी से हुई थी वो भी बस्ती के राजघराने से संबंध रखती हैं, माने दो राजघराने अब टूट सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये बात भी चल रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री माने सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दोनों को अलग अलग मिलने के लिए बुलाया था और दोनों को ये रिश्ता खत्म नहीं करने की सलाह दी थी, क्योंकि शायद राजनीति में बहुत कम ऐसे घराने बचे हैं जो राजघराने अभी साथ में हो। ऐसे में एक और अगर ये खत्म होता है तो ये एक बड़ी कलह होगी। राजा भैया की कहानी हम आपको बता चुके हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की, जो राजा भैया से भी ज्यादा अमीर है, हथियारों का शौक रखती हैं, राजनीति में तो नहीं मगर कारोबार में पूरी दिलचस्पी रखती हैं और अच्छी खासी मौजूदगी भी दर्ज कराती हैं, और जिन्होंने राजा भैया के भाई पर ही बड़ा आरोप लगाकर केस कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 10 जुलाई 1974 को बस्ती में जन्मी भानवी सिंह बस्ती राजघराने के कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी हैं। उनकी पढ़ाई बस्ती और लखनऊ में हुई है। साल 1995 में भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे रघुराज प्रताप सिंह से उनकी शादी हुई थी। दोनों के चार बच्चे हैं जिनमें दो बेटे शिवराज प्रताप सिंह, ब्रजराज प्रताप सिंह और दो बेटियां राघवी और ब्रजेश्वरी सिंह हैं। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह कारोबार करती हैं। कहा जाता है कि उनके पास राजा भैया से भी ज्यादा संपत्ति है। साल 2017 के चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपने हलफनामे में कुल 14 करोड़ की संपत्ति का ऐलान किया था। इसमें से 7.2 करोड़ की संपत्ति उनकी पत्नी के नाम थी, जबकि 6 करोड़ की संपत्ति राजा भैया के नाम थी। राजा भैया और भानवी सिंह की शादी में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए थे। इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिससे हड़कंप मच गया था। दरअसल शादी में शामिल होने आए मुलायम सिंह पर किसी ने रंग फेंक दिया था, इससे उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स में अफरा तफरी मच गई। बाद में बताया गया कि यह रस्म अदायगी थी और मुलायम सिंह को समधि मानते हुए ये रंग भानवी की मां मंजुला सिंह ने उन पर फेंका था। भानवी सिंह आभूषण और हथियारों की भी शौकीन है। उनके पास 4.5 किलो सोना, 10 किलो चांदी और 21 सोने के सिक्के हैं। वहीं उनके पास कई सारे हथियार भी हैं। उनके पास 90,000 की एक पिस्टल, एक राइफल और बंदूक भी है। डिवोर्स से पहले भानवी सिंह ने राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह पर जालसाजी का केस दर्ज कराकर हड़कंप मचा दिया था। उन्होंने अक्षय प्रताप सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी कंपनियों के शेयर उनके जाली हस्ताक्षर से बेचे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जब राजा भैया से पूछा गया कि वो किसका साथ देंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि वो अपने भाई यानी कि अक्षय प्रताप सिंह के साथ हैं। तभी से ये कयास लगने लगे थे कि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताया जाता है कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह पिछले 2 साल से साथ नहीं रहते। दिल्ली के कोर्ट में राजा भैया ने पत्नी के खिलाफ मैट्रिमोनियल केस भी दाखिल किया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि राजा भैया ने भानवी सिंह पर गहने चोरी कर अपने घर ले जाने का आरोप भी लगाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।